बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कहां से गिरफ्तारी हुई और कैसे आप लोगों को लीड मिली? देखिए, बलिया कांड का जो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह था, इसको अभी लखनऊ से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सुबह से डेवलपमेंट ये रहा कि जो कुल 50,000 के नामजद हत्यारोपी थे, उनमें से दो हत्यारोपी अमरजीत यादव और उसका एक दूसरा सहयोगी यहाँ पर बलिया कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, और तीसरा हत्यारोपी ये लखनऊ से गिरफ्तार हो गया। अभी तीन हमारे हत्यारोपी जो 50,000 की नामी है वो भी शेष हैं। हमें उम्मीद है कि शाम तक वो तीनों भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अब ये सुनिश्चित मैं करना चाहूँगा कि उक्त सारे नामजद 8 हत्यारोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्यवाही अनिवार्यता होगी, इसे हम एनएसए कहते हैं। गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा और धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम की, जो अवैध संपत्ति अपराधी की अर्जित होती है उसको कुर्क करने की जो कार्यवाही होती है वो भी सुनिश्चित हर हाल में की जाएगी। मतलब आरोपी धीरेन्द्र सिंह और इसके अलावा जो भी नामजद हैं उनकी संपत्ति कुर्क होगी? बिल्कुल कुर्क होगी। जो भी 8 नामजद हत्यारोपी हैं उसमें मुख्य रूप से जो गोलीकांड का हत्यारोपी है धीरेन्द्र सिंह, उसके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) की कार्यवाही अनिवार्यता होगी, क्योंकि ऐसा संज्ञान में आया है कि अपराध के द्वारा इसके द्वारा लगभग करोड़ों की परिसंपत्तियां अर्जित की गई हैं। क्षेत्र का एक नामचीन दबंग गुंडा है, इसके खिलाफ पहले भी आरोप लगे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी पिछले साल इसके खिलाफ अभियोग बेरिया थाने में पंजीकृत कराया था, उसमें भी इसने उसको धमकाया था। इस मामले में भी इस समय कोर्ट में चार्जशीट लगी हुई है, क्योंकि इसका पीछे का भी आपराधिक इतिहास है। इसको देखते हुए इस दुर्दांत अपराधी के खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी। ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन सुनिश्चित किया जाएगा कि ताकि अन्य कोई भी इस प्रकार की दुस्साहसिक वारदात करने के बारे में भविष्य में कोई दुस्साहस न कर सके। सर, ये बताइए कि इतनी सारी टीमें बनाई गई थी बलिया में और दूसरे राज्यों में भी दबिश दी जा रही थी, लखनऊ तक पहुंच गया, ये कैसे? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपराधी कहीं भी भाग ले, वो कानून की नज़र से, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। चूँकि हम लोगों ने उसकी ज़मीन इतनी गर्म कर रखी थी, वो दर दर एक कह सकते हैं कि यायावर की तरह भटक रहा था, और ऐसे आरोपी अपराधी को शरण देने वाले उसके बहुत सारे रिश्तेदार, अन्य फैमिली मेम्बर्स, उनको भी 216 में चालान किया जा रहा है जो शरण देने के आरोप में पकड़े गए थे। तो अस्पष्ट था कि आरोपी ये मान के चल रहा था कि उसे कहीं भी किसी प्रकार से शरण नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो लगातार भाग रहा था, उसी कड़ी में गिरफ्तारी हुई। अन्य उसके जो दो सहयोगी आज गिरफ्तार हुए, उनकी भी वही मनोदशा थी, वो भी बार बार स्थान बदल करके भाग रहे थे। हत्यारोपी धीरेन्द्र सिंह और उसके अन्य दो सहयोगियों, जिनकी आज तीनों की गिरफ्तारी हुई है, इन तीनों ने कल कोतवाली थाना क्षेत्र में सरेंडर करने का यहाँ पर प्रयास किया था। कोर्ट में इन्होंने अपने एप्लीकेशन मूव किए थे, पुलिस अलर्ट थी, हमारा प्रयास था कि हर हाल में इनकी अरेस्टिंग हो, और इसकी भनक लगते ही ये लोग अपने वकील के माध्यम से बात करके वहाँ पर नहीं आए, निकल गए। तो हम इनका पीछा लगातार कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमारे संज्ञान में नहीं थे, और इसीलिए हमने आपको कल भी जब शाम को बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था 24 घंटे अगले इन पर बहुत भारी होंगे। आप अभी 10 घंटे बीते हैं, आप देख चुके हैं तीन गिरफ्तार हो चुके हैं, शेष तीन केवल बचे हैं, उनको भी मैं एश्योर कर रहा हूँ शाम तक सारे अरेस्ट हो जाएंगे। सर, एक चीज़ और स्पष्ट कर दीजिए, इसमें कुल कितने नामजद थे, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितने लोगों की गिरफ्तारी शेष है? उक्त प्रकरण में कुल 8 लोग नामजद थे, 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उक्त 5 गिरफ्तार में से 3 ऐसे गिरफ्तार हैं जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें धीरेन्द्र सिंह के साथ साथ उसके दो सहयोगी जो आज गिरफ्तार हुए हैं, तीनों 50,000 के इनामी हैं। अभी 3 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, यानी कुल मिलाकर 8 नामजद आरोपियों में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 अन्य आरोपी थे जो अज्ञात में लिखाए गए थे, पुलिस इन अज्ञात आरोपियों का वहां पर चूंकि वीडियोग्राफी हुई है और बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोज देखे होंगे, उसमें साक्ष्य उपलब्ध है, उस साक्ष्य का परीक्षण करके उनमें से अब तक 5 को गिरफ्तार कर चुकी है। 5 में से 3 जेल गए हैं और 2 अभी हॉस्पिटल में हैं। तो कुल मिलाकर के अब हमारे 15 अज्ञात और 3 नामजद आरोपी शेष हैं। 15 अज्ञात का परीक्षण करके भेजा जाएगा, वीडियो में देख करके जो उस समय हमलावर हैं, आक्रामक प्रवृत्ति में हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। 3 नामजद आज शाम तक गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि हमारी एक दर्जन से ज्यादा टीमें लगातार उनका पीछा कर रही हैं।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल जो तीन लोग बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है उनको भी शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह है उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बलिया, न्यूज 24।